अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ग्रेड फोर साइंस के चैप्टर नंबर 2 जानदारों की खसूसियात और जरूरियात के पहले लेक्चर में आप सबका वेलकम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जानदारों को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। जानदारों में रिप्रोडक्शन, एक ही किस्म के जानदारों में मुमासलत और गैर मुमासलत और दौरे हयात। आइए एक वीडियो के जरिए इन जरूरियात के बारे में जानते हैं। टिमी और उसका कुत्ता बुजू अभी पार्क से वापस आए हैं। वो थके हुए और प्यासे हैं और उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। क्या हमारे पास कुछ खाने और पीने के लिए है? थकावट, प्यास, ताकत, ये अल्फाज आपस में मिलते हैं, लेकिन सिर्फ हम इंसान ही नहीं जो भूख और प्यास महसूस करते हैं, बुजू भी भूखा और प्यासा है। टिमी और बुजू की तरह तमाम जानदारों की चंद बुनियादी जरूरियात होती हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जानदारों को किस चीज की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तमाम जानदारों को पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। आपको अपना पानी शायद फ्रिज में से मिल जाए, लेकिन ताज़ा पानी दरियाओं और झीलों में दस्तयाब होता है। जानवरों और इंसानों के लिए पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पौधों को भी पानी की जरूरत होती है, ये पानी अपनी जड़ों से हासिल करते हैं। दर हकीकत बहुत से जानदार पानी के बगैर कुछ ही दिन जिंदा रह सकते हैं। और अगली जरूरत, तमाम जानदारों को हवा की जरूरत होती है। हम इंसान हवा के बगैर चंद मिनट भी जिंदा रह सकते हैं। पौधों और मछलियों को भी हवा की जरूरत होती है। मछली पानी के अंदर हलशुदा हवा के जरिए सांस लेती है। जानदारों को जिंदा रहने के लिए ताकत की जरूरत होती है। सूरज जमीन पर ताकत हासिल करने का मरकजी जरिया है। कुछ जानदार जैसा कि पौधे अपनी ताकत राह रास सूरज से हासिल करते हैं, लेकिन इंसानों और जानवरों को कुछ मुख्तलिफ करना पड़ता है। इंसानों और जानवरों को खाना खाना पड़ता है ताकत हासिल करने के लिए, जैसे मुर्गी अपनी ताकत हासिल करने के लिए पौधे खाती है। पौधे उसकी खुराक हैं। आखिरकार तमाम जानदारों को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। आप और मैं मकान या कोठी में रहते हैं, ये हमें बारिश, गर्मी, सर्दी और मुख्तलिफ चीजों से पनाह मुहैया करते हैं। तमाम जानदारों को भी पनाहगाह की जरूरत नहीं होती। मछली को घर की जरूरत नहीं होती, ये पानी के अंदर रहती है। पौधों को भी घर की जरूरत नहीं होती, उनको खुली जगह चाहिए होती है बढ़ने और जिंदा रहने के लिए। और परिंदे, वो कहाँ रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए हम दोहराते हैं हमने क्या पढ़ा। तमाम जानदारों को जगह चाहिए रहने के लिए, हवा, पानी, ताकत। आज के इस लेक्चर में हम पॉइंट नंबर 1, जानदारों को जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, को डिस्कस करेंगे। हमारे आसपास बहुत सी अशिया मौजूद हैं। इनमें से कुछ अशिया बेजान हैं, मसलन मेज, कुर्सी, किताब वगैरह, जबकि कुछ जानदार हैं, मसलन जानवर और पौधे। जानदार हरकत करते हैं, खुराक खाते हैं, नशोनुमा पाते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। बेजान अशिया में नशोनुमा, खाना पीना, तौलीदी अमल और अज़ खुद हरकत करने की सलाहियतें मौजूद नहीं होती। जानदार अशिया को अपनी बका के लिए खुराक, पानी, हवा और रोशनी की ज़रूरत होती है। जानदारों को जिंदा रहने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत होती है, उनमें से अहम खुराक है। खुराक के जरिए ही जानदार एनर्जी हासिल करते हैं और नशोनुमा पाते हैं। जानदार अशिया को जिंदा रहने और नशोनुमा के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। खुराक इन्हें तंदुरुस्त दवाना बनाती है। कुछ जानदार मसलन पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। वो सूरज से तवानाई हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को खुराक में तब्दील करते हैं। बास जानदार अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो अपनी खुराक के लिए पौधों और दूसरे जानवरों पर इन्हसार करते हैं। इंसान और हैवान ऐसे जानदारों की मिसालें हैं। तो बच्चों, अब एक वीडियो के जरिए खुराक की जरूरत और अहमियत के बारे में जानते हैं। हम सब खाना खाते हैं, ठीक? क्या आपने कभी सोचा है हम क्यों खाते हैं? मेरा मतलब है, कुछ जानदार सिर्फ पौधे खाते हैं, कुछ जानवर और कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं, और कुछ पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। तमाम जानदार बशमूल इंसानों के खाते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगती है, बोर हो रहे होते हैं या थके होते हैं। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए। जो एनर्जी हमें खुराक से मिलती है, हम उससे काम करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। आपने कुछ चीज़ें कभी सोची होंगी कि हम कैसे और क्यों खाते हैं?
आपने ये भी सुना होगा कि नाश्ता दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है, या ये कि दौड़ने से पहले रनर्स कुछ खाते हैं। खाना हर जिंदा शय के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कभी ध्यान दिया है कि पत्थरों को कभी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? ये इसलिए है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन फूड जानवरों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और पौधों के लिए भी। हम पौधों के बारे में क्या सोचते हैं कि वो कैसे खाते होंगे, क्योंकि इनका मुंह नहीं होता। लेकिन फिर भी इन्हें नशोनुमा पाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, जैसे हम इंसानों को होती है। बल्कि पौधों के ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से फूड को एनर्जी में बदला जा सकता है। पौधे अपनी ज़्यादातर खुराक सूरज, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार करते हैं। लेकिन ये देखने के लिए कि ये एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, आप लिक्विड प्लांट फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपके पास दो गमले हैं, इनमें बीज डालें और दोनों पौधों को खुराक की मुख्तलिफ मिकदार दें। प्लांट नंबर एक आपके कंट्रोल में नहीं, मतलब आप उसे कोई खुराक नहीं देंगे। ये सिर्फ नेचुरल सनलाइट और पानी पर इन्हसार करेगा। और फिर प्लांट टू को एक्स्ट्रा खुराक दें, जो कि लिक्विड प्लांट फूड की सूरत में देंगे। इस काम को कुछ देर के लिए करें, मसलन 4 हफ्तों के लिए। आपको क्या लगता है, दोनों पौधे एक जितना बढ़ेंगे या एक पौधा ज़्यादा बढ़ेगा? अगर ऐसा है तो कौन सा ज़्यादा बढ़ेगा? नतीजा ये निकला कि प्लांट टू प्लांट वन से ज़्यादा बड़ा, क्योंकि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए खुराक खानी पड़ती है। तो ज़्यादा खुराक के साथ प्लांट टू को ज़्यादा एनर्जी मिली। चलिए अब वेजिटेबल्स खाते हैं। अगली अहम ज़रूरत जो जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है वो पानी है। पानी हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। पानी, वाटर। जिंदा रहने के लिए पानी बहुत अहम है। तमाम पौधों और जानवरों को अपनी बका के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इंसान पानी को पीने के अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, मसलन खाना पकाने, नहाने धोने और सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। पौधे भी पानी के बगैर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। शक्ल 2:2। आइए एक वीडियो के जरिए से पानी की जरूरत और अहमियत को जानते हैं। पानी और जिंदगी, वाटर फॉर लाइफ। तमाम जानवरों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधे, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, परिंदे और दूसरे तमाम जानवरों की नशोनुमा के लिए पानी की जरूरत होती है। पौधों को फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। आबी जानवर पानी में हलशुदा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। आबी पौधे पानी में हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस्म को भी पानी की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म का करीबन 2/3 हिस्सा पानी से बना है। पानी कई तरीकों से हमारी मदद करता है। गर्म मौसम में पानी हमें पसीने के जरिए ठंडा रखता है, जो ज़्यादातर पानी है। पानी के मुतालिक हकाइक। पानी हमारे खून का 95%, दिमाग का 70% और फेफड़ों का 85% हिस्सा बनाता है। मजमूई तौर पर हमारे अज्साम 60-70% पानी पर मुश्तमिल होते हैं। एक टमाटर तकरीबन 95% पानी होता है। खालिस पानी का कोई रंग, जायका और बू नहीं होती। आइए एक वीडियो के जरिए से पानी की जरूरत और अहमियत को जानते हैं। पानी के इस्तेमाल, यूजेज ऑफ वाटर। पानी के इस्तेमाल घरों, फसलों, सनतों और पन बिजली पैदा करने में होते हैं। घरों में, हमारे घरों में पानी की एक कसीर मकदार इस्तेमाल की जाती है। हम कपड़ों और बर्तनों की धुलाई, सफाई, दांतों की सफाई, टॉयलेट की सफाई, खाने पीने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फसलों में पौधों की अफजाइश के लिए पानी की ज़रूरत होती है। बतौर ज़रिया तवानाई पन बिजली, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी की पोटेंशियल एनर्जी टर्बाइनों की चरखियों को हरकत देने में इस्तेमाल होती है। सनतों में, इन इंडस्ट्रीज, सनतें कई तरीकों से पानी इस्तेमाल करती हैं। मशरूबात और खाने पीने की अशिया बनाने वाली सनतें पानी को बतौर खाम माल इस्तेमाल करती हैं। कारखानों में धाती सतहों को धोने और साफ करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। भारी सनतें, तेल साफ करने वाले कारखाने और न्यूक्लियर रिएक्टर्स ठंडक पैदा करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी कैसे बचाया जाए, हाउ टू कंजर्व वाटर। हम दर्जेल बातों पर अमल करके पानी बचा सकते हैं। जब आप अपने दांतों को ब्रश करें तो किसी बर्तन में पानी लें और नल बंद कर दें। फलों और सब्जियों को किसी बर्तन में धोएं, बहते हुए पानी में बर्तन मत धोएं। वॉशिंग मशीन में बयक वक्त ज़्यादा कपड़े धोएं। अगर आपका लॉन है तो उसे सुबह सवेरे या बाद अज़ां
دوپہر پانی لیں تاکہ دھوپ سے پانی بخارات بن کر نہ اڑے۔ باقاعدگی سے پانی کے پائپوں کی لیکیج کو چیک کریں اور ان کی فوراً مرمت کروائیں۔ استاد کی مدد سے کلاس روم میں گملے میں لگا ہوا پودا لائیں، اسے 3 دن مسلسل پانی دیں اور اس کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اگلے 3 دن پودے کو پانی نہ دیں، ہر روز اس کا مشاہدہ کریں اور اس کی حالت کے متعلق درد سیل چارٹ میں اندراج کریں۔ دنوں کی تعداد، پانی کی دستیابی میں پودے کی حالت اور پانی کی عدم دستیابی میں پودے کی حالت۔ اس سرگرمی سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہوا، ہوا کی اہمیت بھی کسی طور پر جاندار، خواہ وہ انسان ہوں، پودے ہوں یا چرند پرند کے لیے کم نہیں۔ آئیے بک سے ہوا کے متعلق جانتے ہیں۔ ہوا، ایئر، زمین پر بسنے والی تمام جاندار اشیاء کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کے جسم میں پھیپھڑے پائے جاتے ہیں جن کی مدد سے وہ سانس لیتے ہیں۔ پھیپھڑے ہوا سے آکسیجن لے کر اسے پورے جسم کو فراہم کرتے ہیں۔ پودے بھی ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کے استعمال سے خوراک بناتے ہیں۔ مینا، کیا تم جادو دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں بھیا۔ تو اس فرقے کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑو۔ ٹھیک ہے۔ اوہ، یہ فرقی تو گھوم رہی ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کی موومنٹ کی وجہ سے گھوم رہی ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، مجھے ہوا کے متعلق اور بتائیے نا بھیا۔ ہوا ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہے۔ جب میں نے پنکھے کا بٹن دبایا، ہمارے گرد موجود ہوا نے حرکت کی اور اس ہوا کی وجہ سے ہماری فرقی گھومی۔ دوستو، آپ نے ہوا کے متعلق ایک مثال دیکھی ہے، یہ چیزوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ آئیے ہوا کے استعمالات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ہر زندہ شے کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ ہم ہوا کو انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں۔ ہاتھی، زرافہ، شیر، ہرن، بلی، کتا، تمام جانور اپنی ناک کے ذریعے ہوا لیتے ہیں۔ انسان بھی اپنی ناک سے سانس لیتے ہیں، لیکن پرندوں کے ناک نہیں ہوتے تو وہ سانس کیسے لیتے ہیں؟ پرندے اپنی چونچ پر موجود چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے ہوا اندر داخل کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیڑے اور مچھلی کس طرح سانس لیتے ہیں؟ کیڑوں کے جسم پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، وہ ان سوراخوں کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔ تاہم مچھلیوں میں سانس کے لیے اسپیشل آرگن ہوتا ہے جسے گلز کہتے ہیں، وہ ہوا میں موجود آکسیجن کو انہیل کرتی ہیں۔ جانور جیسا کہ ویل، ڈالفن، کچھوے اور مینڈک بھی پانی میں رہتے ہیں، لیکن ان کے گلز نہیں ہوتی، یہ اپنے لنگز کی مدد سے سانس لیتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں پودوں کو بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے؟ پودے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کی مدد سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ پودے آکسیجن کی صورت میں ہوا کا اخراج بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہوا پودوں میں داخل کیسے ہوتی ہے؟ پودوں کے پتوں میں بہت ہی چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اسٹومیٹا کہتے ہیں۔ ہوا ان سوراخوں کی مدد سے اندر اور باہر نکلتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں ہوا صرف سانس کے لیے چاہیے، لیکن ہوا کے اور بھی بہت سے استعمالات ہیں۔ ونڈ مل ہوا کی مدد سے چلتی ہے۔ لوگ ونڈ مل کو دانے گرائنڈ کرنے، پانی کی پمپنگ اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کو جلانے کے لیے بھی ہوا چاہیے۔ فٹ بال اور غباروں میں بھی ہوا بھری ہوتی ہے۔ ان کا سائز ہوا کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ پودوں کے بیج ہوا کی مدد سے اڑ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا بیجوں کی ڈسپرسل میں مدد کرتی ہے۔ روشنی زندگی کی 4 بنیادی اکائیوں میں سے ایک ہے۔ روشنی انسانوں اور جانوروں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا پودوں کے لیے۔ روشنی، لائٹ، روشنی توانائی کا ایک ذریعہ ہے۔ تمام جانداروں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودے سورج کی روشنی کے بغیر خوراک تیار نہیں کر سکتے۔ اب کچھ سوالات کے جواب دیں۔
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे होम।